being is that the miracle of birth of Jesus Christ. पास से बात करें यीशु मसीह के चमत्कारी जन्म की. So I will not take time, but I want your attention. पास से कहीं भी ज़्यादा समय नहीं रहूँगी, इसलिए आप कोशिश करें कि पूरे ध्यान से सुनें. And if you know, then you will know that what is the meaning of Christmas. तो अगर आप पहले से जानते हैं, तो उसको बेहतर तरीके समझ पाएंगे कि आखिर क्रिसमस का अर्थ क्या है. So this month is the month of Christmas. तो जैसे कि दिसंबर को क्रिसमस का महीना कहा जाता है. But Christmas to be always in our heart. पर क्रिसमस का मतलब सिर्फ दिसंबर नहीं, लेकिन क्रिसमस हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए. All the days of our life. हमारे जीवन के हर एक दिन. Christmas means what? क्रिसमस का अर्थ क्या है? Christ come into our life. क्रिसमस मतलब जब यीशु मसीह दुनिया में आए, लेकिन हम समझते क्रिसमस. If the Christ is not coming today, we will never have a church. अगर यीशु मसीह दुनिया में नहीं आते, तो हम कभी कलीसिया नहीं बनाते. And Christ is not coming today, then we will never be here gathering. तो यीशु मसीह अगर आते नहीं, तो हम कभी इस झुंड बनाते नहीं. And if Christ is not coming, then there is no salvation, there is no Christianity, there is not anything, but everything comes from God. तो अगर मसीह नहीं होता, तो कहीं कलीसिया नहीं होती, कहीं मसीहत नहीं होती. So today my topic is that the birth of the miracle birth of Jesus. तो आज पास्टर बात करें यीशु मसीह के चमत्कारी जन्म की. So everyone want miracles. हर कोई चमत्कार देखना चाहता है. How many people doesn't want miracle? कितने लोग कहते हैं कि मुझे अपने जीवन चमत्कारों की आवश्यकता नहीं. Everyone want miracles. हर कोई चाहता है चमत्कार होने चाहिए. Miracle of healing. या चंगाई आनी चाहिए चमत्कार से. Answering our prayers. परमेश्वर हमारी प्रार्थना के जवाब चमत्कार से. Miracle of death and rose again. कोई इंसान मर जाए हमारे सामने जी जाए. Miracle that doctor cannot do, you receive it. कोई ऐसी चीज डॉक्टर नहीं कर पा रहा, लेकिन आप कर पाए. Money that you cannot have, impossible, but you got it. कई बार पैसा आपको नहीं मिल सकता, लेकिन वो अचानक से मिल जाए. Job that impossible, but you got it. जब नौकरी आप किसी को नहीं मिल सकती, आपको मिल जाए. A life that you have, impossible, you have it. अगर आज आपका जीवन जीना मुश्किल है, वो जीना जीना आसान हो जाए, तो ये भी. This is the miracle. ये सब चमत्कार. And so many other things. और बहुत सारे चीज. And everyone want miracles. हर कोई अपने जीवन में चमत्कार चाहता है. Everyone looking for miracle. हर कोई चमत्कार ढूंढ रहा है. Where is my miracle? कि मेरा चमत्कार. So today many people, here is the miracle, people used to run. आज बहुत से लोग इधर भागते हैं, कहते हैं अरे यहाँ चमत्कार हो रहा, तुम भी जाओ. So today we are talking about Jesus born is a miracle. तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म भी एक चमत्कार था. That is why Jesus born is why Jesus born is a miracle. क्यों यीशु मसीह का जन्म एक चमत्कार था? Why it's called a miracle? क्यों यीशु मसीह के जन्म को चमत्कार कहा गया है? Because. क्योंकि. The reason is that. इसका कारण है. Jesus is the Almighty God. कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर. He is the powerful God. जिसके अंदर खूब सामर्थ्य भरा हुआ. He is the mighty God. जो बहुत महान है. And He is the creator of the universe. वो स्वर्ग और धरती को बनाने वाला. That's why when we read in John chapter 1. इसलिए हम यूहन्ना 1 पढ़ते हैं. Verse 1. पहला वचन. You see, in the beginning there was the word. आदि में वचन था. And everything through Him made by. और हर एक चीज वचन के द्वारा ही बनाई गई. What is that through Him everything made? हर एक चीज वचन के द्वारा बनाई गई. What is that? क्या है? When we read in Genesis of the one. जब हम उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ते हैं. The Bible say. बाइबल बताती है. Through the word of God. कि परमेश्वर के वचन. Let there be light. परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जाए. Let there be star. सूर्य चंद्रमा बन जाए. तारे बन जाए. Let there be the world. कि दुनिया में हर एक चीज बनती चली जाए. Everything. हर एक चीज. By His word. परमेश्वर के वचन. He created. उन्होंने बनाई. That God. और वो परमेश्वर. The mighty God. जो महान है. He come. वो खुद आया. In this world. इस दुनिया में. Impi, this is a God is a mighty. परमेश्वर तो खुद महान है. And He is the holy God. वो पवित्र है. See the powerful God. आप ये देखिए महासामर्थी परमेश्वर है. To come to the dirty place. उसके लिए गंदे जगह पे आना. So that we talk about no the mitty dirty. हम यहाँ पर एक मिट्टी की एक कीचड़ वाली गंदगी की बात नहीं कर रहे. But dirty talk about the sinful world. गंदगी मतलब पापों वाली दुनिया. So many people wicked, evil, murder, killing, sexual immorality, adultery, everyone selfish, greedy. Everything they're thinking for themselves. आज आप ये देखिए दुनिया के अंदर हर कोई पापी है, हर कोई अपना ही सोचता है, किसी के अंदर जलन, घमंड, गुस्सा, व्यभिचारी चीजें भरी हुई हैं. So nobody is not righteous. इसका मतलब कोई भी पूरी तरह 100% धर्मी तो नहीं है. How many people do you think that you are righteous? कितने लोग कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं? How many people we think that we are holy? कितने लोग हम कह सकते हैं कि हम पूरी तरह पवित्र हैं? Say how much we try to be holy. हाँ, पवित्र होने की कोशिश तो करते हैं. But this world that we are living. पर जिस दुनिया में हम जी रहे हैं. When we open our eyes. जब हम आँखें खोलते हैं. We see so many evil things. आप खोलते ही गंदगी. And that's our heart. और अपने दिल में सोचे. And when we move out. और जब बाहर निकलते हैं. We see so many evil. हम सिर्फ बुराइयाँ देखते हैं. We hear so many evil. हम सिर्फ गंदगी सुनते हैं. All these things. ये सारी चीज़. In the midst of that. इन सब के
जीना बहुत बहुत मुश्किल। The Bible says in the Matthew, मैं बताती हूँ मत्ती में, even though you are not committing sexual, हाँ हो सकता है व्यभिचार ना करते हो, but your thought, लेकिन अगर आप मन में भी, your eyes, अपनी आँखों से भी, you see somebody, आप इस लड़का लड़की को देख के ऐसा सोच रहे हो, then that also a committing sin, तो व्यभिचार तो हो गया, or you see some man or some woman, या किसी आदमी और को करते हैं देखे, you are not really physically, आप खुद नहीं कर रहे पर फोन में देख रहे हो, but you imagination, और देख देखते कुछ सोच रहे हो, that that's a thing you have already reached of evil, इसका मतलब आपने तो पाप कर लिया, so now this world is so much dirty, इसका मतलब इस दुनिया में कितनी, even this small child, आप इस छोटे से बच्चे को देखो, परी, परी को, you see the even the we never teach bad thing, हम तो उसे कुछ गलत नहीं सिखाते, but खुद से गुच्छा आते हैं, खुद से मम्मी को नहीं मानता, खुद से जलन करते हैं, खुद से तो ये हमने नहीं सिखाया, लेकिन हम लोग का ब्लड से लव से इसे आता रहता है। So that is so evil in this world. तो इस दुनिया में कितनी गंदगी है। I have yeah, my sisters children sometimes they stay with us. पास्टर कह रही थी एक बार मेरी बहन के बच्चे मेरे साथ रहते हैं। I observe the children. पास्टर कह रही बच्चों को ध्यान से देखती हूँ। Good people then. If you are not there, नहीं नहीं नहीं। So you see, we are not teaching them. अब देखो छोटे बच्चों को हम तो ऐसी बातें झूठ बोलते हैं। What is this? A 1 year child, 2 year child. एक साल के बच्चे को बोलो, एक सेकंड में बोलते हैं मैंने तो नहीं किया। बहुत जलन भी होते हैं। कुछ लेते हैं, दूसरों को नहीं शेयर नहीं करता। नहीं, मेरा है, मेरा है। So you see, we are not teaching them. They become greedy. तो बात करें हम उसे नहीं सिखाते, लेकिन बचपन से उसके अंदर एक लालच होता है। They become envy. और दुश्मनी भी होती दूसरों को लेकर। If we love somebody, they don't want. और अगर आप उसको नहीं तो किसी और बच्चे को प्यार करो तो उसे गुस्सा लग जाता है। We didn't teach all this thing. हम उसको नहीं सिखाते। Even the small children, छोटे बच्चों को, they just come. उनके अंदर से अपने आप ही And we didn't teach angry. हम उन्हें गुस्सा नहीं सिखाते। It's something that we took from there. अगर हम के हाथों से कुछ छीन के दिखाओ, they angry. उन्हें गुस्सा आता है। So all this thing we didn't show them. तो ये चीजें बच्चों को नहीं सिखाते। But born is sin. पर पैदा होते ही उनके अंदर ये चीजें हैं। So human being has so many evil that just start by born. आप इसका मतलब इंसानों के अंदर पैदा होते ही कई सारी चीजें होती हैं। And how it's come? कैसे आती है? Because Adam and Eve when they fall into sin. क्योंकि आदम और हवा ने जब पाप किया, so the sins has already conceived. तो पाप उनके अंदर आया, so we all are deserved death. और इसका मतलब जितने हम उनसे आए हैं, so the Bible says there is no one righteous on earth. बाइबल ऐसा बताती है कि कोई भी दुनिया में धर्मी नहीं है. And there is no one good. कोई भी अच्छा नहीं है. There you think that I'm good. आप सोच सकते हो कि हाँ मैं अच्छी हूँ. But you think. और अगर हम ध्यान से सोचें कितना गंदा चीज 24 hours हमारे अंदर भी हमेशा नेगेटिव नेगेटिव चलता रहता है दिमाग में कितना गलत गलत चीज इतना आता है तो हम अपना से भी मैं अच्छा हूँ किससे बोल सकता है नहीं बोल सकता मेरा भी So now there is a God. God is not seeing the outside. तो इसलिए परमेश्वर हमारा बाहरी रूप नहीं देखता. God is seeing our inside. हमारे दिल में क्या चलता है? What is our thought? हमारी सोच में क्या What चलता है? What is our imagination? हमारी कल्पनाओं में क्या What चलता है? What is our eyes looking? हमारी आंखें क्या चीजें देख के बड़ा What is our hand doing? क्या हमारे हाथ कर रहे हैं? People might see. लोगों तो दिख रहा है. God is 24 hours. लेकिन प्रभु हमारे दिमाग में भी देख रहा है. See. And God is not seeing the outlook that what I'm wearing. परमेश्वर ये नहीं देखते पांच साल में क्या कपड़े पहन रखे हैं आपने क्या कपड़े God is seeing inside what I am thinking. पर परमेश्वर देखते अच्छा अंदर क्या सोच रहे हैं. And what is I am doing. और मैं क्या कर रही हूँ अपने मन और दिमाग में. So there is God is looking. तो परमेश्वर को उससे फर्क पड़ता है. So nobody not deserve to go to heaven. तो बाइबल ऐसा बताते हैं कि स्वर्ग जाने लायक तो हमें से कोई भी नहीं है. And nobody not able to reach God. कोई भी परमेश्वर के करीब नहीं जा सकता. And God doesn't want we go to hell. और परमेश्वर लेकिन ये भी नहीं चाहते कि हमारे पापों के बावजूद हम नरक में चले जाएं. God really don't want that you go to hell. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम नरक में चले जाएं. And so what you do? तो करना क्या? Everyone was committing sin. हर कोई तो पाप कर. And nobody no holiness. हम में से कोई पवित्र नहीं जी रहा है. धर्मी बने में नहीं जी रहा है. Nobody not able to enter to God's kingdom. कोई प्रभु के राज्य में जाने लायक तो नहीं हम में से. Then Jesus said, तब यीशु ने कहा, and God the Father, परमेश्वर पिता ने कहा, these things I cannot tolerate that they go to hell. कि परमेश्वर कहता मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग नरक में चले जाएं. So now God the Father need to send Jesus. तब परमेश्वर को यीशु को भेजना है. God Himself, परमेश्वर खुद, become a son. वो अपने बेटे के रूप में आए. And He come. Just like he take a, you know, leave his throne, his kingdom, his glory, his majesty, his holiness, his righteousness, he left and he come into this. तो परमेश्वर अपने महानता को अपनी राजगति अपने राज को अपने स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आए. See how comfortable life is here. So you are living a comfortable life. तो मतलब परमेश्वर है आप हैं मतलब एक बहुत comfortable life में जी रहे हैं. आप slum area में जाके रखो तो कितना सोचते हैं.
मुश्किल है. लाइक या सम पीपल लिविंग हियर यू आर नॉर्मल बट you and me go and stay here, we are very difficult. तो अगर हम कोई अच्छी जगह पे रह रहे हैं उससे हम थोड़ी कम अच्छी जगह पे रहना पड़ जाए तो हमारे बहुत मुश्किल हो जाता है. अतः नगर की they told me to go and stay 2-3 days के लिए adjust कर सकता है लेकिन एक महीना एक साल के लिए रहना है तो अक्सर जगह ढूंढ लेगा रहने के मुश्किल है. और so now this is the things that God to come into this world is human term is impossible. आप ये देखिए इंसानी रूप से अगर हम सोचते हैं तो परमेश्वर के लिए स्वर्ग छोड़ के आके धरती पे रहना His kingdom is full of glory. प्रभु के राज्य के अंदर तो पूरा महानता full of holiness सिर्फ पवित्रता ही है. That's in the book of Isaiah Bible say. इधर यशायाह की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है 24 hours कि 24 घंटे the angels were worshiping स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं और वो कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र. So they worshiping God परमेश्वर को बोलते हैं 24 hours 24 घंटे ये बोलते हैं millions of angels हजारों स्वर्गदूत हैं before the throne of Christ परमेश्वर के अनुग्रह राजगद्दी के पास खड़े and before the throne of God परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़े. So that God तो वो परमेश्वर he need to leave his country. अब सोचा वो अपने देश को छोड़ के नीचे आया he need to leave his kingdom अपने राज्य को छोड़ के आया and he need to come down और नीचे आना पड़ा हमारे लिए the sinful world जहाँ पे सिर्फ गंदगी है वहाँ पर लोग बीमार रहे हैं जलन कर रहे हैं विचार कर रहे हैं all kinds of idol worship हर जगह पे मूर्ति पूजा हो रहा है listen God कोई परमेश्वर की सुनता नहीं है nobody obey God कोई परमेश्वर की मानता नहीं है nobody thank God कोई प्रभु को धन्यवाद नहीं देता nobody recognize God कोई परमेश्वर को अच्छा नहीं समझता nobody think that God is the one who created them कोई नहीं सोचता परमेश्वर को धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे बनाया nobody think that God is giving food कोई नहीं सोचता परमेश्वर मुझे खाना दिया God is giving rice vegetable परमेश्वर ने खाना पीना चावल दिया people think that oh हम खेती करते इसके लिए मिलते हैं लेकिन प्रभु ना हम तो खेती आप एप्पल सी डाल के निकल और ना उसको उठा रहा so who is the one who make that tree तो हम तो सिर्फ बीज डालते हैं लेकिन बीज के बाद वो कैसे पौधा बनता है पौधे से कैसे पेड़ बनता है वो तो परमेश्वर ही करता है हम तो प्लांट के भी निकल दिया लेकिन प्रभु रोज उनको बढ़ाता है प्रभु ने बढ़ाता है आप प्रभु ने हेल्प नहीं करते तो प्लांट कर दिया वो बीज को एनिमल ना खा के कीड़ा ना खा के कुछ नहीं नहीं उठाए ड्राई भी हो वेजिटेबल हो सवल भी हो तो हम अभी ना इसी चीज में नहीं मिलेगा तो हम भूखा करके मर जाएगा So but you see everything God is the one who protect. तो हर एक चीज को सिर्फ परमेश्वर ही है जो सुरक्षित रखते हैं. And but nobody recognize God. लेकिन कोई भी परमेश्वर को इज्जत देने को रेडी नहीं है. Even the farmer never say that, oh thank God that God has planted. कितनी बार तो किसान लोग भी नहीं कहते कि प्रभु धन्यवाद आपने हमारे बीजों को बढ़ाया. And even the prime minister never thought that God is the one who giving the prime minister. तो प्रधानमंत्री भी नहीं सोचता अरे परमेश्वर ने मुझे ये पोस्ट दी है. All the officer never think that God is the one who giving. कोई सारे ऑफिसर भी नहीं सोचते कि हमारी गवर्नमेंट जो परमेश्वर की ओर से. All the businessmen never think that God is the one who giving. सारे व्यापारी लोग भी ये नहीं सोचते कि हमारे व्यापार का सारा कामकाज प्रभु की ओर से. Everyone think that वो मैंने काम कर दिया मैंने खेती काम कर दिया इसके लिए मिल गया मैंने जॉब कर दिया इसके लिए मेरे पास पैसा आया मेरे पास पावर है. So everything they think for themselves. तो हर कोई सिर्फ अपनी ही खूबियों को सोचता है. But God is the one who give everything. पर परमेश्वर जिसने सब कुछ दिया. The Bible says that even the king doesn't know God, but God is the one who giving to become a king. तो बाइबल ऐसा बता रही है कि president. जो राजा भी है आज कहीं पर वो भी प्रभु ने उसको वो औहदा दिया है लेकिन कितने लोग नहीं मानते इस चीज को. And then that is why God need to come. इसलिए क्या हुआ परमेश्वर को नीचे आना पड़ा. Even when he come. और जब वो आए भी people even they didn't recognize लोगों ने उनकी इज्जत नहीं करी. That is why the zone say that the light has come बाइबल में लिखा है ना कि ज्योति तो आई. Even the zone 3:16 यूहन्ना 3:16 भी क्या है 3:18 उसका हम 17:18 वचन पढ़े the light has come कि ज्योति तो आई but people doesn't want light लेकिन लोगों को अंधकार ज्यादा अच्छा लगा they want darkness वो कह रहे हैं मैं अंधेरे में ही रहना because they want evil क्योंकि काम बुरे थे and that is why bus zone chapter 3 verse you know 17, 18, 19 दोषी ठहर चुका इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया और दंड की आगे का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे क्योंकि जो कोई बुराई करता है वे ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि
ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। जी दोबारा से बस दूंगी जोन 3:20 आप देखिए यूहन्ना 3:20 में क्या लिखा है। एवरीवन हर कोई इंक्लूडिंग वी ऑल हम सबको मिला के डू इविल हम सभी बुरे काम करते हैं। All our deeds are evil. हम सब सोचे हमारे काम कितने बुरे। How many people say I didn't do evil? कितने लोग कहते हैं कोई बुरा नहीं करते। सारी जिंदगी में हम रोज evil करते हैं। हम रोज ही बुरा करते हैं। So but say everyone do evil. पहले बताते हैं हर कोई बुरा करता है। There is why they don't want light. इसलिए किसी को भी ज्योति अच्छी नहीं लगती। See, गलत गलत काम करते हैं ना रोशनी पसंद नहीं क्योंकि रोशनी में आते तो सारे दिखते हैं। So now God is talking about the people who are doing evil. They don't want God. तो परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये बता रहे हैं कि जो लोग बुरा करते हैं उन्हें प्रभु अच्छा नहीं लगता। Because the Bible says light is God. क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ज्योति है। So here Bible talk about light. It's not the sunshine. It's not the electric. तो यहाँ पे वो ज्योति की बात ये नहीं कि ट्यूबलाइट की लाइट है या सूरज की रोशनी की बात नहीं। It's talk about God. यहाँ परमेश्वर को ज्योति बताया गया। God is light. परमेश्वर ज्योति है। Satan is darkness. शैतान अंधेरा है। So now nobody doesn't want light. कोई भी रोशनी नहीं चाहता वो परमेश्वर को देता व्हेन डू इज द लाइट ऑन जैसे लाइट बंद हो जाती है दिस वेरी डार्क आप देखो यहां से अंधेरा हो जाएगा एंड पीपल लव टू वॉक इन दैट और लोगों को अंधेरे में गलत काम करने बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज़ दे कैन डू एवरीथिंग क्योंकि उन्हें पता है अंधेरे में हमारे गलत काम कोई नहीं देखेगा एंड नोबडी सी कोई नहीं देख पाएगा व्हेन द लाइट कम लेकिन लाइट जल गई एवरीवन सारे सबको पता लग जाएगा एक्सपोज सब कुछ बता देगा सो दैट इज व्हेन क्राइस्ट कम ऐसे जब यीशु मसीह आते हैं द लाइट When they receive it, तो जब हमारे अंदर वो ज्योति आ जाती है एक बार, the people see, तो हमें अपने अंदर की गंदगी दिखने लग जाती है, and even your own see, हम खुद ही देख लेते हैं, हाँ मैं गलत था, कि मैंने कैसे पाप किया था, कि मैं गलत काम करती हूँ, but the people, if they didn't have Jesus, लेकिन अगर हमारे अंदर वो ज्योति मतलब वो यीशु मसीह ना आए, वो लोग पाप है नहीं मानता, हम पाप को पाप नहीं समझते हम उसको मजे से करते हैं, रोज ऐसे नॉर्मल लाइफ होता है पी लो खा लो मार लो आइडल वर्शिप कर लो उन लोग को नहीं मानना पाप है क्योंकि वो लोग अंधेरा में था तो अंधेरा है तो मालूम नहीं है तो प्रभु में आते हैं तो वो मालूम है हाँ हम मोदी पूजा का गलत था हम झूठ बोलता था गलत था हम क्या सेक करता था गलत था रोम में और हम क्या लड़ाई करता गलत था इस सारे प्रभु आते हैं तो हम अपना भी खुद से भी मालूम होते ही गलत है लेकिन हम लोग लाइफ में प्रभु नहीं है ना कोई इंसान मालूम नहीं है ये गलत है ये करते रहते सो दैट इज व्हाई व्हेन द लाइट कम व्हेन गॉड कम ओनली पीपल लाइफ ट्रांसफॉर्म तो इसलिए जब परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर आती है तभी से हमारा जीवन बदलना शुरू होता है दैट इज व्हाई गॉड नीड टू कम इसलिए परमेश्वर को भी तो आना पड़ा सो द माइटी गॉड ताकि वो महान परमेश्वर द पावरफुल गॉड वो सामर्थ्य परमेश्वर नीड टू कम उसे आना ही पड़ा लाइक यू एंड आई आपके मित्र बनना ही पड़ा He removed his throne and the सिंहासन को छोड़ा He humbled himself अपने को नम्र किया Because he God didn't come परमेश्वर अगर नहीं आते Nobody cannot save our life तो कौन हमें बचाता Elephant cannot come and save your life Lion cannot come and save your life हाथी आकर हमें नहीं बचाता शेर हमें आके नहीं cannot come and save our life पत्थर तो बिल्कुल आके नहीं बचाता Instead of coming and saving your life आके बचाता तो छोड़ो They will come and eat you आता और आप पर ही खरोचे मार देता Mosquito and mosquito मोंकी आपका घर आएंगे क्या क्या धुन की फेंक की सारे बनाना मिल गया खाया क्या सारे से खा के निकल जाएंगे सो गॉड सी नोबडी कैन नॉट सेव माय लाइफ तो हमारे जीवन को कोई भी नहीं बचा सकता एंड नोबडी कैन नॉट डिजर्व टू सेव द ब्लड और कोई भी अपने हमारे अंदर लहू नहीं बहा सकता सी नोबडी कैन नॉट सेव द यू नो लाइफ समबडी लाइफ कोई भी किसी और के जीवन को नहीं बचा सकता The blood that nobody cannot save, and Jesus Christ need to sacrifice His blood. तो अब हमारे हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को अपना खून अपना लहू बहाना पड़ा. Because every blood is sin. क्योंकि सबके खून में पाप तो है. The bloodline that come from Adam and. क्योंकि आदम और हवा से जो लहू आ रहा है. So to save somebody's life. तो किसी की लाइफ को बचाने के लिए we need a pure blood. हमें पवित्र एक साफ खून चाहिए. We need a clean blood. एक साफ खून. See if you drink the dirty water, you how you feel? आप देखिए अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो आपके शरीर में गंदगी ही जाती है। हम dirty पानी पीते हैं तो अचानक से stomach pain होता है, loose motion होते हैं, typhoid शुरू होते हैं, malaria करते हैं, सारी चीज हम लोग का life में आप ऐसे दिल्ली का supply भी पी लो, मैं तो पी सकता नहीं सकता,
अंदर एक घंटा का दिन में मेरा गलत खराब स्टोमक इधर से पेन होता है लूज मोशन शुरू होता है so why because that has so many germs क्योंकि उस पानी के अंदर बहुत गंदगी होती है so to have our good health तो हमें अपने शरीर अच्छा रखने के लिए we need a good water अच्छा ही खाना पीना पड़ेगा pure water एक साफ पानी so when you drink जब साफ पानी पिएंगे cleans our stomach तो धीरे धीरे हमारे पेट को साफ करेगा and cleans our body हमारे शरीर को साफ करेगा so to sanctify us तो अपने आप को साफ करने के लिए to clean us हमें साफ करने के लिए अपने जीवन को बचाने के लिए we need a pure blood हमें शुद्ध लहू चाहिए we need a clean blood साफ खून चाहिए not the sin blood गंदा खून नहीं not the unclean blood गंदा खून नहीं not the unrighteous blood अधर्मी वाला every our sins are conceived by sin हमारे सारे के सारे जो पाप है वो लहू में ही है every sins every blood is conceived by sin हर खून के अंदर इसमें पाप है and blood in blood there is a life आप ये देखिए लहू में ही तो जान है All the living things, सारे जीव जंतु they have a blood that's why they alive. उनके अंदर खून है तभी वो जिंदा है See, even if they have blood, अगर हमारे अंदर सारा खून निकल जाए तब तक उससे buy blood. डॉक्टर ने बोला अरे खून कम हो गया है उसका body blood. ये किसी को खून चढ़ा दो इस बंदे को So when they receive the blood, जब खून चढ़ता है man to man, आदमी का आदमी में then you have life again. तो फिर से शरीर में ताकत आती है See, that blood the blood is so powerful ab ye dekho lahu mein kitni taakat hai today many people operation they need blood aap bahut se log operation mein khoon chadaya jata hai aur today many people they have a delivered a child they need a blood jab log delivery hoti hai uske baad unko khoon chadana padta hai so they looking for the blood because the blood can save life kyunki lahu mein hi jaan hai jo kisi ki jaan bacha sakta hai and in the book of Leviticus say in the blood there is a life aur Leviticus ki kitab mein bhi likha hai ki lahu mein hi jaan hai so in our life that our blood are death तो हमारे जीवन में क्या था लहू मरा हुआ था स्पिरिचुअल आत्मिक रूप से बिकॉज ऑफ सिन क्योंकि हम सबने पाप किया है एंड नोबडी कैन नॉट फिल्टर और कोई भी उस लहू को साफ नहीं कर पा रहा था एंड नोबडी कैन नॉट सेव आवर ब्लड बिकॉज़ ऑल आर नॉट गेटिंग यू नो डिजर्व टू बिकम अ टू सेव आवर लाइफ तो हमारा लहू इतना गंदा था लेकिन किसी और का भी लहू इतना साफ नहीं कि हमारे लिए बहकर हमें साफ कर सके बिकॉज एवरी ब्लड हैज ऑलरेडी बीन डर्टी कैन नॉट क्लीन क्योंकि हर किसी के लहू में ही कहीं ना कहीं गंदगी है सो नाउ जीसस pure blood to yeshu masih ka saaf lahu the pure the goodness you know more than Bezalel more than Kingsley more than what today so many aqua arwa what so many name the company has come to aaj bahut se paani ki companies to aa gayi hai people say oh aqua is good or people say Bezalel is good or people say so many names are coming but still we are drinking but we are existing somehow yes nala direct paani se to thoda to theek hai So now that is why we are talking about the spiritual realm. तो आज हम बात कर रहे हैं आत्मिक चीजों की. So in our spiritually, तो आत्मिक रूप से you and I dead. हम सब मरे हुए थे. Physically we alive. शरीर से जिंदा तो हैं. But nobody cannot go to heaven. पर स्वर्ग में जाने लायक कोई नहीं था. So God said, तो परमेश्वर ने कहा, what to do? क्या करूं? These people are dead. ये लोग तो मरे हुए हैं. And they want darkness. और इन्हें अंधेरा पसंद भी है. But they don't know that they're going to find the fire. और इन्हें पता नहीं अंधेरे की वजह से इनको आग में अपना जीवन बिताना पड़ेगा. They were living here on this earth is 100, 90, 60, 70, 80. We live in that. तो कितना 40, 50, 60, 70 हर साल 100 साल हम जी जाएंगे. After we dead. उस मरने के बाद. This now we are living is not when you die is not death. जब मर जाएंगे तो एक तरह से मरना नहीं है but the people who did believe लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करेंगे the real death is going to happen उनकी असली मृत्यु तो बाद में आएगी so the god doesn't want to see us eternity to eternity in fire तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अनंत काल तक नरक की आग में चलते रहें then god say no I need to come and save तो परमेश्वर कहा नहीं मुझे तो आग में बचाना ही पड़ेगा so to save our life तो हमारे जीवन को बचाने के लिए he need to give his blood उन्हें अपना लहू देना पड़ा so that his blood is pure holy righteous and no even one spot kyunki unka lahu ekdam saaf aur shuddh aur usme kuch bhi gandagi nahi thi pure clean ekdam saaf pure holiness ekdam pavitrata hai and to clean the dirty apne sharir ki gandagi ko saaf karne ke liye need a good water aur ek saaf pani jaisa chahiye and to clean our body we need a good water aur jab sharir ko saaf karne ke liye acha pani chahiye unclean water you take but your mouth dirty agar hum gande hain aur upar se gande pani se naak aur sharir aur badbu marega so what you do your body is dirty अगर पता मेरे कपड़े गंदे हैं your body is dirty आपका शरीर गंदा है you are not taking part with a dirty water अरे गंदे पानी से नहीं नहा रहे you are looking good for the clean water आप नहीं मुझे साफ पानी दो मुझे नहा
blood. एक अच्छा लहू ढूंढ रहे हैं. Nobody deserves this. किसके देख रहा है? सबका ही खून गंदा है. The Bible says in Genesis chapter 5. तो बाइबल बताती है और Genesis chapter 6 verse 5. उत्पत्ति 6 के 5 में. Let's start. That is very important. Genesis chapter 5 शुरू में. Genesis chapter उत्पत्ति 6 का 5. Yes, read that one. Page number 8. शुरू में उत्पत्ति 6 का 5. यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है और यहोवा पृथ्वी मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ. आमीन. See the Bible say in the English Bible say everyone inclination conscience are so evil. बाइबल में लिखा है कि हर एक व्यक्ति जितने बनाए गए थे उनके मन में जो कुछ भी चलता है ना हर टाइम बुरा ही चलता है. Everyone. हर किसी की बात हो रही है. Who is going to born? जो पैदा होने वाले हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है. Who is going to come? जो आने वाले होने वाले पैदा हुए is already gone. या फिर जो मर चुके लोग हैं उनके लिए भी. Bible say everyone our conscience. बाइबल बताती है हमारे मनों में जो चलता है ना हर एक टाइम बुरा है. Nobody is not clean. कोई भी साफ नहीं है. Everyone is evil. हर कोई बुराई सोचता है. So when you read continue that chapter, अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ते रहे, God send the blood. You need to sanctify. You need to clean this world. तो बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने क्या करा? बारिश भेजी. उस बारिश के इतने पानी से क्या परमेश्वर ने सबको मैं खत्म करूँगा साफ कर. And we see the Sodom and Gomorrah so wicked. और ऐसे हम देखते सदोम और गोमोरा की भी बात. God Allah God bring down the fire and burn. सदोम और गोमोरा पर प्रभु ने कहा कि मैं अपनी आग भेज के इस पूजा को साफ करूंगा. If like that, then everyone will go to hell. अगर प्रभु हर किसी बुरे इंसान को मारने लग गए चलाने लग गए तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी. Nobody will not go to heaven. क्योंकि हम में से कोई भी सत्य लग रहा है. प्रभु ने क्योंकि हमसे इतना प्रेम किया. He love you. आपसे भी प्रेम किया. And love me. और मुझे भी प्रेम किया. Don't want to go to heaven. इसलिए वो नहीं चाहते कि हम सब नरक में चले जाएं. That is why. और इसलिए in the beginning कि शुरुआत में that mighty God वो महान परमेश्वर that powerful God वो सामर्थी परमेश्वर that anointing God वो अभिषिक्त परमेश्वर that holiness वो पवित्र परमेश्वर that mighty वो महान परमेश्वर that pure God जिस पवित्र परमेश्वर है the holy God पवित्र परमेश्वर the goodness of God अच्छा भला परमेश्वर God is good इसलिए कहते परमेश्वर भला है all the time हर एक समय. God never bad परमेश्वर बुरा कभी होता ही नहीं. That God वो परमेश्वर to save the bad thing good person is one तो उनको बुरे लोगों को बचाने के लिए अच्छे व्यक्ति को भेजना जरूरी था. So that is why the miracle of God is that God, mighty God, become a flesh. तो चमत्कार की बात यह है कि वो महान परमेश्वर देह के अंदर दुनिया में आ गया. So in different way, this is the miracle. तो आप ये देखिए ये भी चमत्कार ही है. Because क्योंकि the powerful God he humbled himself कि एक महान परमेश्वर ने अपने आप को नम्र कर दिया and he took the form of sin और उन्होंने पाप लिया अपने ऊपर and he come to the sinful world और इस पापमय दुनिया में आए dirty world गंदी दुनिया में for you and for me ताकि आपको और मुझे बचा पाए to save us हमें बचा पाए. That is why in the book of John इसे यमुने किताब में लिखा हुआ है. See in the beginning verse 1 शुरू से इस जोन इज द disciple of Jesus Christ. तो यहाँ पर यमुना की बात हो रही है. यमुना कौन? जो परमेश्वर यीशु मसीह का चेला. Zone focus is that Jesus is the God. तो यमुना का focus इस पे था कि परमेश्वर कि यीशु मसीह परमेश्वर है. So in the Bible saying the Genesis of the one in the beginning God created and तो बाइबल में लिखा है उत्पत्ति में कि शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया. So the person who spoke that word. तो जिसने उसको बोला in the beginning was a word. कि आदि में वचन था. And that was with God. और वो वचन परमेश्वर के साथ था. And the word was God. और वचन परमेश्वर था. He was in the beginning with God. वही आदि में था. See verse 2. Use the understanding English. दूसरा वचन देखिए हम. He was in the beginning with God. कि वो शुरुआत में परमेश्वर के साथ था. कौन था? Who? No. I'm talking about who is the person. In the beginning was the word. कि शुरुआत में आदि में वचन था. The word was God with God. वचन परमेश्वर के साथ था. See the word the God with God. वो वचन परमेश्वर के साथ था. See with God, you know. And then he was in the beginning with God. और वह परमेश्वर के साथ था. And all things met through him. और सब कुछ उसके द्वारा ही. So who is talking about? किसकी बात हो रही है? See, this is talking about Jesus Christ. So यहाँ बात हो रही है यीशु मसीह की. So that means Jesus was already in the beginning. इसका मतलब यीशु मसीह आदि में थे. That's why
God the Father and now Jesus is speaking here. तो यहाँ पर परमेश्वर पिता और यीशु की बात हो रही है. See, in the beginning the word was with God. कि शुरुआत में वचन परमेश्वर के साथ था. See, beginning में शुरू में प्रीति मेरा साथ था. और ये प्रीति मेरा साथ था शुरू में. मेरा काम है ना, पृथ्वी बनाया था, दुनिया बनाया था, मेरा साथ था. और उसका हिसाब से मैंने सारी दुनिया बनाया था. तो एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ. सो नाउ वो प्रभु ने बता दी कि मेरा साथ था, वो वाला दुनिया में आया. सो दैट मींस जीसस इज द गॉड इन द बिगिनिंग ही वाज विद गॉड. इसका मतलब शुरुआत में परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ऑलरेडी थे. सो इन दैट गॉड तो और वो परमेश्वर बिकम ह्यूमन बीइंग. वो परमेश्वर इंसान बन के दुनिया में आए. 14 और वचन देहधारी हुआ, मतलब शरीर में आया, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा. आमेन. सो दैट वर्ड बिकम अ फ्लेश एंड ड्वेल अमंग अस. तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे बीच में देहधारी हुआ और हमारे बीच में आया. सिर्फ इन द बिगिनिंग में हेवन में था, तो मेरे यहाँ पर जस्ट आया, अभी आप लोग का साथ था. कैसे आया? That I become human being. कि मतलब परमेश्वर का जो वचन है, मतलब यीशु मसीह, वो खुद शरीर में मतलब इंसान बन के आए. So in the beginning Jesus was with God. इसका मतलब शुरुआत में यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे. And in that God. और उस परमेश्वर में he become like human being. वो इंसान बन के आया. And he lived among us. हमारे बीच में रहा. That is the talking about. तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है. So today Christmas is coming. तो जैसे Christmas आ रहा है. Christmas Bible never say the 25th the Christmas. Bible में कहीं पर नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर Christmas होता है. But the whole world, the early church, and the the people of the decided that we should have a celebration. The universe declared that 25 is the Christmas day. लेकिन फिर भी दुनिया में कई लोगों ने से मिलके अनुमान लगाया और उन्होंने कहा कि हमें एक डेट तो निर्धारित करनी है यीशु मसीह के लिए, तो उन्होंने 25 दिसंबर को यीशु मसीह के बारे में मत्ती 18:18 में भी क्या लिखा है? Whatever you on this earth, you bound heaven also bound. जो भी आप धरती में बांधोगे, जो परमेश्वर के लोग धरती में बांधेंगे, वो स्वर्ग में बंध जाएगा. Whatever you decide, जो भी आप मानोगे, God also decide. परमेश्वर के पहले भी यही चुनाव किया. So the universe decided 25 is a Christmas. तो जैसे इंसानों ने, ब्रह्मांड ने, लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म माना जाए. But because this is the, those they know that we are not here. But God has really come. But people decide that so God also. क्योंकि पहले के समय में ऐसे नहीं लिखे जाते थे, डेट्स नहीं लिखी जाती थी, तो लोगों को नहीं पता. Jesus time, Jesus come 2023 years back. यीशु मसीह ये तो पता है कि 2023 साल पहले आए. आप भी हम लोग का जैसा है ना, तो प्रभु का सारे डॉक्यूमेंट्री करना था. फोटो है, कैमरा है ना, अभी अभी टाइम का हम कोई भी चलो कुछ आया क्लिक करते हैं, वीडियो लेते हैं, अपलोड करते हैं. लेकिन प्रभु का टाइम में कैमरा नहीं था, फोटो नहीं था, बहुत चीज था. अभी अभी हम लोग क्या, मैं बच्चा का टाइम में फोन कौन है पता नहीं, हम लोग दिमाग में भी नहीं है. और मेरे बच्चा का टाइम में टीवी ना क्या है, मोटा मोटा करके सोता सोता घर में क्या दूधा सान देखता था, ब्लैक एंड व्हाइट कलर भी नहीं था. See, maybe it, I also explained like that. पर देखिए मेरे भी ऐसे ही अनुभव है. Then आप लोग का टाइम कैसे था? ऐसे ही था. हम मेरा पापा सोड़ मम्मी लोग है इधर. आप लोग का टाइम जा आप लोग परी जैसा टाइम है ऑल में. तो आप लोग का टाइम कैसे था? हम लोग का टाइम में ये मेरे को बचपन का याद तो ये चिंगम था, वो कुत्ता का जीव की तरह पतला पतला करके. नहीं, टीवी कैसा था? टीवी तो नहीं था. टीवी नहीं था, दिमाग में टीवी कौन है? टीवी सोचते थे ना. हाँ, टीवी सोच लेंगे तो हम लोग टीवी बीमारी और टीवी का बीमारी नहीं था, वो टीवी होता ही नहीं है. हम लोग का टाइम में ना, मैं सोचा टाइम में तो टीवी तो दिखाया था ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट यस. तो ऐसे ऐसे करके दिखाता था, सेट करना होता था. हां, सेट करना था एंटीना. और क्या है, कभी कभी बारिश आते हैं, हवा आते हैं, एंटीना कर दिया तो टीवी में प्रिक 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 आता है. साइकिल के टायर का पहिया भी लगा लेते थे इसका एंटीना. हां, वो बाद में आया.
बाद में आप लोग का लाइन आप लोग 20 का बाद है तो आएगा बच्चा का टाइम हाँ बच्चा का टाइम तो क्या है लाइक जस्ट लाइक वी आर स्टोन एज यू नो ये 1967 का तो हम लोग पैदा हुआ है तो हम लोग आने वाला में कैसे करने पता नहीं कब कब से वीडियो आया ये लिखा होगा ना हाँ सारे लिखा हुआ मैं तो लेंगे वो अभी मैं बताऊंगा मैं बाहर हम अभी बताएंगे तो और डेज आएंगे नेक्स्ट टाइम है ना 16-17 होगा ये क्या बोलता है माँ भारा बोल के आता था किसी किसी घर में टीवी हमारे घर में था so and then who have black and white TV we think that that person is rich family और सारे घरों में किसी एक के दुक्के के पास ही वो टीवी मिलता था वो भी वो रेड ब्लैक एंड व्हाइट वाला और जिसके पास होता था अरे यही सबसे अमीर व्यक्ति है पूरे गांव का so we respect and that family is the rich family उसकी सबसे अलग ही इज्जत होती थी पूरे गांव मेरा बच्चा कभी मैं स्पेक डालते ना तो मैं सोचता अमीर वाला लोग अभी सोचता है आज खराब वाला लोग है हम नहीं डालना अच्छा वाला लोग है तो लाइक पीपल पुट रिस्पेक्ट आई यूज्ड टू थिंक दैट दे आर वेरी रिच पीपल मैं अपने बच्चा में ऐसा सोचता था मेरा मन में लेकिन अभी मालूम हो गया रिस्पेक्ट वाला खराब वाला लोग अच्छा से नहीं देखता सो दैट इज द थिंग्स दैट यू सी जीसस टाइम तो यीशु मसीह के समय में no TV, no phone, no तो TV, phone, YouTube but just like in our time like this लेकिन अगर आज के time में यीशु मसीह आ जाए everything will record it उनके पैदा होते सारे time seconds तक पता चल जाएगा अभी जो हम लोग बच्चा पैदा होता है ना क्या है मतलब जन्म तिथि जन्म लिखा है second भी लिखते हैं कितने कितने second पैदा हुआ हाँ so we used to our parents used to write that you are I was born in 12 o'clock आज तो मतलब लोग बताते हैं हाँ मैं रात को कितने तारीख को 12 बजे पैदा हुआ सब डेट के साथ टाइम के साथ बताते हैं see when Jesus also in his time like that तो अगर उस टाइम में घड़ी है पास उसमें कुछ अलग मेथड होता था जैसे टप पे पानी गिरा ना मटके में से बूंद बूंद करके अलग प्रचार हां सो दैट इज द थिंग्स दैट we are I'm talking about see Jesus time and the, in this our time तो बाप से ये बता रही है कि क्या अंतर है यीशु मसीह के समय में और आज के समय में so that is the thing sir so Jesus come तो यीशु मसीह आए that is why his death his own time are not recorded और क्योंकि उस समय में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी टीवी मोबाइल फोन नहीं होते थे इसलिए उनका समय उनकी तिथि जन्म की कुछ नहीं लिखा गया but the proof is there लेकिन फिर भी कुछ सबूत तो है कि वो पैदा हुए Jesus was born. कि हाँ पैदा हुए. And I was listening that you know Jesus was born in the cattle, like in the cow. तो पास से कह रही कि जहाँ पे गाय भैंसों को रखा जाता है वहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ. The Bible say that and it is not all about the cow. You know the scholars say that that one is a making for the cow to feed the new one. तो पास से कह रही कि जरूरी नहीं. Cow are not their feeding. See वो पास से नहीं बता रही. That Jesus was born and keeping their place. तो जहाँ पर यीशु मसीह को रखा गया वहाँ पर बड़ी बड़ी गाय भैंसों की जगह नहीं थी पास्टर बता रही कि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो ये बताते हैं कि जहाँ पर छोटी छोटी गाय भैंसों को रखा है जो इनको अभी तक उन्होंने दूध देना शुरू नहीं किया उनको रखा जाता है वहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुआ जीसस वाज यू नो कम इनटू दिस सो दैट टाइम द रजिस्टर द हेरोड हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड दे वेंट टू द बेथलहम टू रजिस्टर देयर इज नो प्लेस बिकॉज द ऑल ओवर द पीपल फ्रॉम रोमन्स हैज ऑलरेडी डिसाइडेड so the people come the so Bethlehem was full the hotel were full the house were full Mary have a relative Joseph have a relative all the relative come and there is no place to eat तो पास्टर ये बता रहे हैं कि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं थियोलॉजियंस वो ये भी बताते हैं क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ हेरोदेस राजा ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि सब लोग आओ अपने अपने शहर में जाओ और जाके अपना अपना नाम पंजीकरण कराओ तो बेथलहम में जैसे यूसुफ और मरियम भी गए थे उनके परिवार वाले भी गए थे क्योंकि सब लोग अपने अपने गांव अपने अपने शहर जा रहे थे तो उस समय शहरों के अंदर भीड़ थी बहुत ज्यादा और लोग बस रहने की जगह नहीं थी सब जगह भरे हुए थे So, but Jesus delivering is coming. अब देखो ऐसे जब उस समय घर भरे हुए हैं होटल भरे हुए हैं तो उस समय ही यीशु मसीह को पैदा होने का समय होगा. So now Joseph needed a place. अब पैदा होना था तो यीशु को भी मरियम को रखने की जगह चाहिए थी. So Joseph found out the place that nobody is near, silent place and that beautiful place. There is a Joseph take in like that. तो यीशु मसीह भी ढूंढो. So यीशु ढूंढ रहे थे कहाँ पर मरियम बच्चा जनेगी. तो ढूंढते ढूंढते वहाँ पर एक एकांत जगह पे ढूंढने because in the Bible ना the scholars say that even in the relative place people were full, even people were sleeping, and he cannot in front of the people, he cannot deliver.
That is why they are taking him to the place that nobody. तो पास्टर कह रहे कि ऐसा थियोलॉजियन जो बाइबल पढ़ने पढ़ने वाले हैं वो ये बताते हैं क्योंकि उस समय उनके रिश्तेदार यूसुफ और मरियम के उस समय उस शहर में होंगे लेकिन क्योंकि पंजीकरण का समय था तो सबके घर खचाखच भरे हुए थे सबके रिश्तेदार के रह रहे थे और उन भीड़ भाड़ के बीच में मरियम बच्चा नहीं जन सकती थी इसलिए एकांत जगह यूसुफ ने ढूंढी जहाँ पर बच्चा जन पाए So that's what Jesus was, delivered to the silent place and then the place that they make a home for the animals. तो जहाँ पर नए नए बच्चों को रखा जाता है वहाँ पर यीशु मसीह के पापा ने उनको वहाँ रखवाया वहाँ पर उनकी बीवी रखवाया. But the Bible never says it's the dirty, it's the cow and this and that. Bible में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जहाँ पर यीशु मसीह का दिनों भर गंदी बदबूदार जगह थी गाय भैंस का गोबर था ऐसा कुछ नहीं. But it is the new home. पर पास्टर ऐसे बता रहे हैं कि वो एक साफ सुथरी जगह थी जहाँ पर अच्छे मतलब नए नए बच्चों को रखा जाएगा And then so that place Jesus was in and he was taking power. So now the miracle take place is that Jesus the God become a human being is a miracle. तो चमत्कार ये है कि परमेश्वर खुद इंसान बन गए इस दुनिया में. That's why the word become a flesh. तो बाबा यहाँ पर ये लिखा है कि वचन देहधारी हुआ. So the person is called the Prabhu tha. In the beginning the person who created the heaven and earth. That spoken word, the person. See, now I'm spoken word. You are listening my word, and I become just like you and I. तो जैसे पास्टर कह रही है कि those days they can't see God. पहले के समय में लोग परमेश्वर को देख नहीं पाते थे. पास्टर बोल रही हैं आप सुन रहे हैं ऐसे परमेश्वर का वचन था जो बोला जा रहा था और बाइबल बताती है वो वचन परमेश्वर था और वो देह में मतलब शरीर में होकर इस दुनिया में आया. See in the beginning, like Abraham, how they hear the God's word. आप ये देखो अब्राहम ने कैसे परमेश्वर की आवाज को सुना. They never see God. देखा नहीं परमेश्वर. All the prophets they never see God. सारे भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर को देखा नहीं. Isaiah talk about that there would be a virgin who will be conceived and he will come into this world and they will call him Emmanuel and God is with us and Matthew also record Isaiah also record. तो यशायाह में भी लिखा हुआ शायद किताब में भविष्यवक्ता ने कहा कि जो एक कुंवारी गर्भवती होगी बच्चा चलेगी उसका नाम इमैनुअल होगा मतलब परमेश्वर हमारे साथ मतलब सारे भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर जो नहीं दिखता उसके आने की भविष्यवाणी है. So all the prophets they used to hear the voice. इसका मतलब सारे भविष्यवक्ताओं को आवाजें सुनाई देती थी that boy. और उन आवाजों को in the good time in his time उनके समय में in the right time सही समय में let us turn to Philippians. खोलते हैं फिलिपियों किताब और गलातियों गलातियों किताब. In the fullness of time, God sent His Son, and a woman made Him under the law to redeem them. That we under the law, that we might be received the adoption of Son. Very beautiful. So, in the beautiful time, in the fullness of time, Galatians chapter 4, verse 4 and 5. गलातियों 4:4 का चौथा और पांचवा वचन, पेज नंबर 261, नया नियम, बाइबल के लास्ट के पेजेस में है, दीदी लास्ट के परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले मतलब अडॉप्ट होने का परमेश्वर ने गोद लेने का हमें हक मिले. See, this is the miracle that in the fullness of time. मतलब जब समय पूरा हुआ तभी ऐसा भी हुआ. In the right time. मतलब जब समय बिल्कुल सही था. Jesus come. तब यीशु आया. As a human being. एक इंसान बनके. For what? क्यों आया? To redeem you and I. ताकि आप और मुझे छुड़ा पाए. This way the Galatians say to adopt us. तो गलातियों में क्या लिखा कि हमें अडॉप्ट करने के लेपालक मतलब हमें अडॉप्ट करने के Jesus come to adopt you. यीशु मसीह आए आपको और मुझे अपना बेटा बेटी के हिसाब से गोद लेने के. See if I want to adopt son. अगर मैं किसी को adopt करना चाहती हूँ. I need to go to the place of children. तो हमें जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ जाना पड़ेगा. And there is so many law and rule and regulation. बहुत सारे कानून और नियम हैं बच्चों को adopt करने के. There is a paper writing. आपको सारा paper वर्क पूरा करना पड़ेगा. And all these things pass. और ये सारी चीजें जब सही हो जाएगी then I need to adopt it. तब उस बच्चे को so now God will reject us. ऐसे ही परमेश्वर ने बना तो दिया. But because of sin. लेकिन क्योंकि हमने पाप किया Satan took away. तो शैतान के हो गए हम.
And so you and I under the Satan. तो अब हम शैतान के लिए उसके बच्चे बनके रह रहे हैं. So nobody cannot save us. अब कोई हमें नहीं बचा पा रहा. And we all are going to go to hell. तो अब हम सभी नरक जाने के लायक हो गए. That's what God in the fullest of time. तो बाइबल में लिखा है जब समय पूरा हो गया. God come. तब परमेश्वर आया. The purpose that He come. और किस मकसद के लिए आया? And He need to born. ताकि उसने पैदा हुआ. Just like you and I. आपके और मेरी तरह. See, we are children in the inside the mother womb. How many months inside the mother womb you are? 9 months. So Jesus also 9 months in Mary womb. तो एक बच्चा से अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, ऐसे यीशु मसीह अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक. Go through what you are going through. यीशु मसीह ने अपने जीवन में वही सब सहा जो हम सब सहते हैं. Completely like human being. पूरे इंसानों की तरह. See the God to become like when I. आप ये देखो परमेश्वर आपके और मेरी तरह. This is the miracle the Bible says. एक चमत्कार है. And He made impossible thing to make possible. उन्होंने असंभव चीजों को संभव किया. So 9 months. आप ये देखो 9 महीने. He was in the Mary womb. अपनी मम्मी के पेट में थे. No father. पापा भी नहीं थे. So see the Bible, you know, all the today I was listening. Jesus is not the bloodline of Joseph. तो बाइबल पाक से बता रही है कि बाइबल के अनुसार यीशु मसीह यूसुफ के खून से नहीं पैदा हुए थे. He is not the bloodline of Joseph, but Jesus had the bloodline of Mary because he was pregnant. लेकिन यीशु मसीह अपनी मम्मी मरियम के लहू से एक तरह से बने थे क्योंकि उनके पैदा हुए थे. And I was studying about Mary. पाक से कहते मरियम के बारे में पढ़ रही थी आज. Mary was a righteous woman. मरियम एक धर्मी स्त्री थी. To come to Jesus Christ born. Jesus, you know, I was thinking, looking at many pictures about that Mary life. Mary was know the word of God. पास्टर कह रहे हैं बहुत सारे प्रचारक ऐसा बताते हैं कि मरियम एक ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर को जानती है. In the book of Luke. इसलिए अगर लूका को सुसमाचार पढ़ेंगे. How Mary sing a song. मरियम ने कैसे भजन गाती है. So all the song you read. अगर पूरा भजन पढ़ो जो लूका के सुसमाचार में लिखा है वो सारा परमेश्वर का वचन ही है. So Mary was singing a song. अगर मरियम भजन गा रही है. All the New Testament. सारे नए और तो ओल्ड टेस्टामेंट सारे जो वचन है वो भजन के वो सारे पुराने प्रॉफिट वाज स्पोकन जो भविष्यवक्ताओं ने बोले थे. सो दैट मींस मेरी नो द वर्ड. इसका मतलब वचन पढ़ती थी उसको वचन याद थे. एंड ही वाज अ राइटियस वुमन और एक धर्मी स्त्री थी. फॉलो द विल ऑफ गॉड और प्रभु के वचन पे चलती थी. एंड ही इज द बाइबल सेज ही इज अ वर्जिन. बाइबल बताती है कुंवारी थी पवित्र थी. सी वर्जिन इज गॉड यू नो really really honor. परमेश्वर एक जो चीज इसको सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं वो है पवित्रता को. That's the way Bible says now when you marry a holy marriage. जिसे परमेश्वर वचन कहते हैं कि आप एक शादी पवित्र शादी आप करवाए हैं. Bible says in the book of Hebrew be honored and married. बाइबल ऐसे बताती है इब्रानियों किताब में कि अगर आप पवित्र शादी करते हैं तो उस शादी की इज्जत होगी. But today many young people. लेकिन आजकल बहुत सारे जवान लोग to find out virgin. आप जवान लोगों के अंदर पवित्रता और कुंवारापन देखें अगर तो उस परमेश्वर ने इसीलिए मरियम को चुना. To come into this world. ताकि वो उसके द्वारा इस दुनिया में आ पाए. And Mary was a righteous. मरियम एक धर्मी स्त्री थी. And was living a holy. वो पवित्र जीवन जी रही थी. Virgin. एक बिल्कुल कुंवारियों की तरह. No touch her. कोई आदमी को छूना नहीं. And he lived a holy life. एक पवित्र जीवन जीती थी. And he looking for the kingdom of God. और वो प्रभु के राज्य की ओर सोचती थी. To establish. प्रभु का राज्य बनाने की सोचती थी. So then that is why God come into his life. और इसीलिए तो परमेश्वर ने मरियम को. See now you might not be like Jesus might not come to your life. अब हो सकता है कि हम मरियम की तरह नहीं और यीशु मसीह हमारे पेट से ना आए. But when you live a virgin life. लेकिन अगर हम फिर भी कुंवारियों की तरह पवित्र जीवन जीते हैं. Now you all are married. अब जैसे आप सबकी शादियां. You cannot live a virgin life again. अब आप दोबारा से कुंवारी तो नहीं हो सकते. But you can live a virgin. लेकिन फिर भी कुंवारी कैसे रह सकते हैं. You character. आपके चरित्र से. Your behavior. आपके व्यवहार से. Your thought. अपनी सोच से. Your thinking. अपने समझ में आप पवित्र रह सकते हैं. To the will of God. और प्रभु के वचन के अनुसार चले. God will surely bless your life. तब परमेश्वर सच में आपके जीवन को आशीष देगा. And God will surely use your life. और परमेश्वर आपके जीवनों में इस्तेमाल करेगा. And God will surely bless and then through you the whole world will bless. और परमेश्वर आपके द्वारा पूरी दुनिया को आशीष. See through now through Abraham we are the seed of Abraham. आप ये देखिए हम अब्राहम के बीज और अब्राहम के द्वारा हमें आशीष. Abraham was a married man.
अब्राहम भी तो एक पति मतलब पत्नी थी उसकी, शादी से अब्राहम ओबेगा, पर सिर्फ अब्राहम के लेकर प्रभु के वचन का चलता था। So through Abraham we blessing him. तो अब्राहम के द्वारा हमने आशीष पाई। So through you, if you are really obedient, faithful, righteous before God, God will surely bless, and through you the whole nation, the church of Rehoboth and your family will bless. तो अगर आप भी धर्मी हैं, पवित्र हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा रहोबोध को, आपके परिवार को और इस समाज को आशीष देगा। So now, today I'm talking about, I'm just few hint. So this month was still more talking about the greatness of God. तो जैसे कि इस पूरा महीना दिसंबर का महीना और हम परमेश्वर की महानता के बारे में बार-बार बात करेंगे। So today I'm talking about one point only I'm talking about. तो पास्टर ये आज मैंने सिर्फ आपको थोड़ा ही समझाया। The miracle of God that Jesus birth means that he become human being. कि पास्टर ने आज क्या बात करी, यीशु मसीह के चमत्कारी जन्म की, मतलब यीशु मसीह कैसे वचन से देह बन गए। Fullness of time. और एक अपने समय पूरा होने पर वो आए। He come into this world. वो दुनिया में आए। The word become flesh. वो वचन देहधारी हुआ। And he dwell among us. और हमारे बीच में रहा। And Jesus come into this world. और यीशु मसीह दुनिया में आए। By his coming. और अपने आने से we are redeemed. हम छुटकारा पाते हैं। Those who believe in Christ. जो यीशु मसीह करते हैं। Come to redeem us. और इसलिए यीशु मसीह आए हमें छुटकारा देने के लिए। In the fullness of time, God sent his son, a woman made under the law. यहाँ लिखा है परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। To redeem them. हमें छुटकारा देने के लिए। See, God need to come with a woman under the law. परमेश्वर उस व्यवस्था के अनुसार आए। The woman was living under the law of this world. और जिस औरत के द्वारा वो आए, वो औरत भी व्यवस्था के अधीन रह रही थी। एक परिवार में रह रही। Under the church. एक कलीसिया में। Under the society. समाज में। All these are the law. ये सब व्यवस्था है। Family is the law. परिवार में व्यवस्था होती है। Nation is the law. आपका देश में व्यवस्था है। Society is the law. समाज व्यवस्था है। So God also need to come under the law. तो परमेश्वर को भी व्यवस्था के अधीन होकर ही आना पड़ा। He is the God. He can come out of the law. परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो तो बिना व्यवस्था के भी आ सकते थे। But he need to save. पर फिर भी हमें बचाने के लिए व्यवस्था के अधीन होकर। He need to come under the law. व्यवस्था के अधीन होकर ही आए। See, if you go to America. अगर आप अमेरिका चले जाएं। You cannot play like you are living in India. तो जिस तरीके से आप भारत में रह रहे हैं उस तरीके से अमेरिका में नहीं जी सकते। You go to other country. अगर आप दूसरे देशों में जाएं। You need to follow that law. आपको दूसरे देशों में दूसरों की व्यवस्था में चलना पड़ेगा। So that you can able to stay. अगर आपको दूसरे देशों में रहना है I follow the Indian law in America. तो मैं भारत के कानून को वहाँ नहीं पालन कर सकती। Throw me out. बाहर निकाल देंगे मैं अपने देश से। If I go there, I need to follow the law. तो अगर हम दूसरे देश में जा रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था को ही मानना पड़ेगा। So that you can able to stay. ताकि हम वहाँ रह पाएं। And people can make that you are the fan, same family. और लोग कहेंगे कि ठीक है, भारतीय होने पर भी हमारी व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं। And government will allow to stay. समाज आपको या सरकार आपको रहने देगी। So God, the heavenly God. तो वो स्वर्गीय परमेश्वर। The heavenly, the mighty God. जो महान परमेश्वर। He come need to come to the law on this earth. वो भी धरती पर आए और धरती की व्यवस्था के अधीन होकर आए। So that he can able to save us. ताकि वो आपको मुझे बचा पाए। He come and he cannot live like as a heaven thing here. वो ऐसा नहीं यहाँ आगे स्वर्ग के अनुसार जीवन जिएंगे, नहीं। He cannot like that, then he cannot save us. अगर वो धरती पे स्वर्ग की तरह जीवन जीते तो हमें नहीं बचा पाते। Then so he come, he need to go through the law. और इसलिए वो धरती पर आया और धरती की व्यवस्था के अनुसार अधीन होकर आया। So that he can come and save, he can save us. बचा पाए। Then so when Jesus come. तो इसलिए जब यीशु मसीह आए। Just like you and I. आपके और मेरी तरह ही आए। But the difference is that. लेकिन अंतर ये है। He come just like you and I, 9 months. वो आपके और मेरी तरह आए। He also born. वो भी 9 महीने की मम्मी के पेट में रहे, पैदा हुए, फादर, लेकिन पिता तो नहीं थे। कम बाय थ्रू होली स्पिरिट, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा है। डिफरेंट, ये अंतर है। एंड जीसस ग्रो, और यीशु मसीह बड़े हुए। बाइबल सेइंग दैट विद यू जीसस ग्रो विद अ फुल ऑफ विजडम एंड नॉलेज। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की यीशु मसीह परमेश्वर की समझ और बुद्धि में बढ़े। एंड देन आल्सो जीसस लिव इन द फैमिली, वो परिवार में रहे। यू सी ओनली द जीसस वाज बोर्न, यू सी द बाइबल वी सी। And then also Jesus went 12 years go to temple. आप ये देखिए यीशु मसीह में ज़्यादा उनके बचपन के बारे में नहीं है, लेकिन ये कि 12 साल के जब वो थे तो वो मंदिर में गए थे, आराधनालय में गए। And then we see the scene that Jesus went to Rithan. That part you see after that the ministry start. So in the 1 year to 29 years Jesus was really in the family. तो एक साल से लेके 29 साल तक यीशु मसीह पूरी तरह से अपने परिवार से समय बिताते थे। He obeyed the parents. वो परमेश्वर अपने माता पिता की बात मानते थे। जिस तरह से हम जीते हैं। He lived. वो भी जिए। He
He go through pain, sorrow. कि जिनको दर्द था परेशानी थी उससे die early. Bible में ऐसे लोग मानते हैं और समझते हैं कि यूसुफ जल्दी ही मर गए because he Joseph we see the Jesus time after that Joseph name was hidden. ऐसा लोग ये मानते हैं कि यूसुफ की जल्दी मृत्यु हो गई होगी क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के समय ही यूसुफ के बारे में उसके बाद हर जगह मरियम मरियम लिखा है लेकिन कहीं पिता के बारे में नहीं even the Canaan the family were invited but Joseph was और लोग इसलिए भी मानते हैं कि जब कनान के अंदर यीशु मसीह ने चमत्कार किया था पानी को दाखमधु दाखरस बनाया था तो उस पे भी देखो पूरे परिवार को बुलाया लेकिन मरियम थी चेले थे यीशु का पिता तो वही नहीं थे इसलिए लोग मानते हैं कि यूसुफ शायद तब तक मर चुके होंगे सो दैट इज व्हाई जीसस टुक द रिस्पांसिबल इन द फैमिली इसका मतलब यीशु मसीह सबसे बड़े होने के नाते परिवार में सारे मतलब जिम्मेदारी उठाते हैं व्हेन द ब्रदर हैज बीन और जब सबसे बड़ा भाई होता है व्हेन द टाइम हैज कम जब समय आता है He started his ministry. उसने काम शुरू किया था सेविकाएं शुरू करी. So that means he got Jesus more than us he go through. इसका मतलब यीशु मसीह ने हमसे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ संभाली हमसे ज़्यादा परेशानियों का सामना किया. So whatever you experience. तो आज हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का जो भी अनुभव है. God also experienced. प्रभु ने भी अनुभव. God also experienced. Jesus also experienced financial. यीशु मसीह जिन्हें पैसे की परेशानी आई होगी. Poverty. Family की गरीबी भी आई होगी. Family परेशान. परेशानियाँ भी आई होगी बीमारियाँ भी आई होगी. All these things why? क्यों आई होगी ये सब Because he want he know the going through your pain. ताकि जब हम अपनी प्रार्थना करें और अपने दर्द को प्रभु से कहें तो प्रभु को मुझे पता है कि मैंने भी सहा है. That is why whatever you happen. इससे आज मैं जीवन में जो कुछ भी होता है. God knows. प्रभु कहता है मुझे पता है मैंने भी सहा है. And then God knows that and then also that is why he help us. और इसलिए प्रभु हमारी मदद भी करता है. And he save us. और हमें बचाता है. Does the God say that when you are persecuted me, when you are persecuted people, God say that you are persecuted. इसलिए परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के लोगों को सताता है तो प्रभु कहते तुम तो मुझे ही सता रहे हो. So today I'm just giving a some heal Jesus come. The purpose that he come is to save your life. तो परमेश्वर के वचन में पास्टर आज यही बताया कि यीशु मसीह कैसे चमत्कारी जन्म हुआ और क्यों जन्म हुआ ताकि हमें बचा पाए. And he go through so many things. और उनके जीवन में बहुत कुछ हुआ. That's a miracle. यही चमत्कार है. And so many things to talk about. और इस बारे में हम और ज्यादा बात करते रहेंगे. So Jesus come. तो यीशु मसीह आए. And in that name. और उस नाम में. He is so powerful. उन्हें बहुत सारे. Okay, in the end let us read Philippians. खोलते हैं फिलिपियों दो. Yes, Philippians chapter 2. फिलिपियों दो का नौ से ग्यारह. Yes, I want you to read not ten. I want you to read from 6. हम पढ़ते हैं फिलिपियों किताब दूसरे अध्याय के छठे वचन से 6 से 11. पेज नंबर 272. 272 पेज नंबर खोलेंगे. हाँ यहीं से थोड़ा सा आगे जाओ गलातियों के आगे हाँ फिलिपियन गलातियों के बाद इफिसियों के बाद फिर फिलिपियों हाँ इसलिए 272 पेज नंबर दूसरा अध्याय का हम छठे वचन से 11 वचन तक पढ़ेंगे आई वांट यू टू रीड फ्रॉम 6 यस यस पास्टर 6 वर्ड्स ऑनवर्ड जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है आमेन सी यू सी द वर्स 5 6 जीसस कम ही हंबल हिमसेल्फ ही कम लाइक अ सर्वेंट तो यीशु मसीह ने अपने को नम्र किया और एक दास के रूप में दुनिया में आए ही डिड कम लाइक अ किंग वो इसलिए ऐसे नहीं आए कि मैं तो राजा हूं ही इज द किंग है तो वो राजा But he didn't come. पर एक राजा अपने को राजा दिखाते हुए नहीं आए वो. He come like a servant. वो एक दास की तरह एक नौकर की तरह आए. To save us. ताकि वो हमें बचा पाए. He is the King of Kings and Lord. वो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु. But he come like a servant. पर वो दास बन गया. He humbled himself. अपने को नम्र किया. And in that name God was the no God the Almighty was exalted. और ऐसा होने से परमेश्वर पिता को महिमा मिली. So in that name God has given Jesus. और परमेश्वर ने इसीलिए यीशु मसीह का नाम in that name of Jesus. और इसीलिए यीशु के नाम में we receive healing. हमें
चंगाई मिलती है वी रिसीव सलवेशन हमें उद्धार मिलता है वी रिसीव इटरनल लाइफ हमें अनंत जीवन मिलता है वी रिसीव एंटर यू नो टू अलाउ अस टू एंटर गॉड्स किंगडम और इसलिए यीशु मसीह के नाम को कन्फेस करने के बाद हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए बोल पाते हैं सो विदाउट द name of Jesus Christ under the heaven and earth there is no salvation to yeshu masi ke naam ke alawa swarg aur dharti ke niche koi bhi naam nahi hai jisse udhar mil paye nobody cannot save koi bhi nahi bacha paye but whoever in the book of acts said that whoever call upon the name of Jesus they are saved par peter kaam ke andar ye likha hai ki jo bhi yeshu masi ke naam ko lega usi ko udhar milega that is why when we celebrate christmas aur isliye jab hum christmas manate hain if Jesus did not come agar yeshu nahi aate Today we will not be alive. तो आज हम जिंदा भी नहीं होते. You might be alive. हो तो शरीर में जिंदा होते. But you are dead. पर आत्मा में तो मरे होते. So Jesus coming. तो यीशु आए. Because of that today we receive salvation. इसलिए हमें उद्धार मिला. Receive healing. चंगाई मिली है. 24 hours you call upon His name. 24 घंटे प्रभु का नाम जब मर्जी ले सकते हैं. He is always ready to answer. वो हमेशा आपकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए तैयार है. Always with us. वो हमेशा हमारे साथ है. And to call that mighty name. और उस महान नाम को पुकारने के लिए. Father has given His name. परमेश्वर ने वो नाम हमारे लिए दिया. So that name when you call Jesus. और जब उस नाम को पुकारते हो. Every problem is solved. हर एक problem निकल जाता है. Satan run away. शैतान भाग जाता है. Sickness run away. बीमारियां निकल जाती हैं. Struggle run away. सारी मुश्किलें निकल जाती हैं. Issue run away. सारी issues खत्म हो जाते हैं. That is very very important. और ये बहुत बहुत जरूरी है. So God is so mighty. परमेश्वर सच में इतना महान सो हिज नेम इज पावर तो उनके नाम पे सामर्थ है सो दैट इज व्हाई क्रिसमस वी आर सेलिब्रेटिंग इसलिए हम क्रिसमस मना रहे हैं वी शुड रिजॉय हमें आनंदित होना है बिकॉज़ ही कम एंड सेव योर लाइफ क्योंकि उन्होंने आके हमारे जीवन को बचाया टू ऑल योर बॉडीज एंड कर्स और सारे बोझ और बंधन को हमसे ले लिया एंड ही शेड हिज ब्लड और अपना लहू बहाया टू सेव आवर लाइफ ताकि हमें बचा पाए सो थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस तो यीशु के लहू के द्वारा यू एंड आई आर सेव आपको और मुझे जिंदगी मिलती है एंड वी गॉट लाइफ अगेन और हमें दोबारा से एक नया जीवन मिलता है आमीन We all let us stand together. आइए हम सब खड़े हो जाएं. I'll sing one song. Yeah, our song.